हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपुल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपुल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपुल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच और इस मूवी को लिखे हैं रीड रीस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपुल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डर ब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपुल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपुल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है, और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड, जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है,
रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है, उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है।
वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अशिथिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिन्स फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेड खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेड को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेड के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उसे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स, इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में,
और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंटरी एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स, इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपुल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स डेडपुल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपुल पर है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपुल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपुल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है, उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है, और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपुल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है, और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित
उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिल तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डर ब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात
जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्समेशन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्समैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अशिथिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेड खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेड को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेड के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर,
और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, दी डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है। तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंटरी एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 hour and 59 minutes है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है,
और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डर ब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है, उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है, और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार, वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ
दुर्व्यवहार किया गया है। कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेट और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सख्ती दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उसे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिल तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं।
तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अशिथिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेड खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है लेकिन इससे पहले कि रसेल वेड को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेड के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर जो कि सेम कैरेक्टर पर है यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड,
जैक कीसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला। इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर। और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स। और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंटरी एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये
एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की और इसका लेंथ 1 hour and 59 minutes है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 million रहा, जो कि काबिल तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस
फायर फिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसेस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेट और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सख्ती दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 hour and 59 minutes है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 million रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ए ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्समेशन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्समैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अशिथिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केवल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड, जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेड खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेड को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेड के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स, इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन,
मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक कीसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला। इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर। और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स। और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनलॉर्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या क्या डेडपुल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्समेशन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्समैन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंटरी एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको
डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 hour and 59 minutes है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रिट्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 million रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज अ ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है, उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है, और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार, वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एक्स एस्केस
कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसेस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेट और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल, जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरेंस सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट, और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में, और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिल तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में,
और ब्रिनन हिल्डर ब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स में सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अशिथिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेड, जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेड खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेड को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेड के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स, इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबी निकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है।
और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट $110 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या क्या डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है। उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्समेशन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्समैन में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंटरी एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेड और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केबल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण का
काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 आवर एंड 59 मिनट है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये 2018 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि बेस्ड है मार्वल कॉमिक पर, जो कि सेम कैरेक्टर पर है, यानी कि डेडपूल पर है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं डेविड लीच, और इस मूवी को लिखे हैं रीड्स रेस, पॉल वायरनिक्स, रैन रेनलॉर्ड्स। ये मूवी बेस्ड है डेडपूल जो कि फैबिनिकेज रॉब लीफील्ड के द्वारा है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सीमोन केनबर्ग, रैन रेनॉल्ड्स, लॉरिन सुलर डोनर, और इस मूवी के स्टारिंग है रैन रेनॉल्ड्स, जोस ब्रोलिन, मोरिना बैकेरिन, जूलियन डेनिसन, जैजी बीट्स, टीजे मिलर, ब्रेनियन हिल्डर ब्रांड, जैक केसी। इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए जॉनथन सेला, इस मूवी को एडिट किए डर्क वेस्टरवेल्ट, क्रिस एल्बर्ट, एलिजाबेथ रोनाल्डिस डोटियर, और इस मूवी में म्यूजिक दिए टेलर बेट्स, और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है 20th Century Fox, मार्वल इंटरटेनमेंट, किनबर्ग जेनर, मैक्सिमम एफर्ट, द डोनर कंपनी, TSG इंटरटेनमेंट। और ये इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है 20th Century Fox, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया 10th मई 2018 को लीजेस्टर स्क्वायर में, और 18th मई 2018 को यूनाइटेड स्टेट में। और इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसका बजट $110 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $785 मिलियन रहा, जो कि काबिले तारीफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें इस मूवी में रेनॉल्ड्स एज वेड विल्सन के रोल में नजर आए, या कहें डेडपूल के रोल में नजर आए, और जोस ब्रोलिन एज केबल के रोल में, और मोरिना बैकरिन एज अ वैनिसा के रोल में, और जूलियन डेनिसन एज अ रूसेल कोलिंस के रोल में, और जैजी बिट्स एज डोमिनो के रोल में, और टीजे मिलर एज वीसेल के रोल में, और ब्रिनन हिल्डरब्रांड एज नेगासोनिक टीनेज वारहेड के रोल में, और जैक केसी एज ब्लैक टॉम कैसीडी के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल के लिए समझदार भाड़े के डेडपूल के रूप में संगठित अपराध से लड़ने के बाद वेड विल्सन अपनी प्रेमिका वैनिसा के साथ अपनी सालगिरह पर अपने लक्ष्यों में से एक को मारने में विफल रहता है, उस रात जब जोड़ी एक साथ एक परिवार शुरू करने का फैसला करती है, तो लक्ष्य वेड को ट्रैक करता है और अनजाने में वैनिसा को मार देता है। वेड तो बदला लेने में उसे मार डालता है। वैनिसा की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए वह 6 हफ्ते बाद खुद को उड़ाकर आत्महत्या करके मरने का प्रयास करता है। वेड के पास बाद के जीवन में वैनिसा की दृष्टि है, लेकिन उसकी उपचार क्षमताओं के कारण जीवित रहता है, और उसके शरीर को कोलोसिस द्वारा वापस एक साथ रखा जाता है। वेड के पास केवल एक सकी बाल टोकन, एक वर्ष गंठ उपहार वैनिसा की अंतिम स्मृति चिन्ह के रूप में बचा है। एक्स मेन सन में ठीक होकर वेड अनिच्छा से एक्स मैन में शामिल होने के लिए समर्थ हो जाता है।
क्योंकि उनका मानना है कि वैनिसा उसे चाहती थी। वह कोलोसिस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एस्केस कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक अनाथालय में अधिकारियों और अस्थिर युवा उत्प्रवृत्त रसेल कॉलिंस फायरफिस्ट के बीच गतिरोध का जवाब देते हैं, जिसे म्यूटेंट री एजुकेशन सेंटर कहा जाता है। यह महसूस करते हुए कि अनाथालय के कर्मचारियों द्वारा रसेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कोलोसिस द्वारा रोके जाने से पहले डेडपूल स्टाफ सदस्यों में से एक को मार देता है और वेट और रसेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक्ति दबाने वाले कॉलर से सुसज्जित उन्हें आइस बॉक्स में ले जाया जाता है, जो उत्प्रवृत्त अपराधियों के लिए एक अलग जेल है। इस बीच केबल भविष्य से एक साइबरनेटिक सैनिक रसेल को मारने के लिए समय पर वापस यात्रा करता है। केवल आइस बॉक्स में घुस जाती है और रसेल पर हमला कर देती है। वेट जिसका कॉलर आगामी हाथापाई में टूट जाता है, रसेल का बचाव करने का प्रयास करता है। केवल द्वारा वैनिसा का टोकन लेने के बाद वेट खुद को और केबल को जेल से बाहर करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इससे पहले कि रसेल वेट को सुनता है, इससे पहले कि वह युवा उत्प्रवृत्त की परवाह करता है, फिर से मौत के करीब वेट के पास वैनिसा का एक और दृष्टि में है, जिसमें वह उससे रसेल की मदद करने के लिए मना लेती है। डेडपूल रसेल को जेल स्थानांतरण काफिले से बाहर निकालने और केवल से उसकी रक्षा करने के लिए एक्स फोर्स नामक एक टीम का आयोजन करता है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको डेडपूल 2 मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि 2018 की, और इसका लेंथ 1 hour and 59 minutes है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, डेडपूल 2 इस मूवी को IMDb ने 7.7 out of 10 रेटिंग दिया है, और फ्रेंड्स इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेडपूल 2 मूवी को देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, वरना आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।